दवाई भले ही कुछ अपरिचित सा नाम हो, लेकिन सरसों और उसके तेल कारोबार से जुड़े हर किसी के लिए ये नाम बहुत ही जाना पहचाना है। टोंक रोड पर जयपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित ये छोटा सा शहर देश विदेश में बिकने वाले सरसों तेल के कई जाने माने ब्रांड के कारण अपनी खास पहचान रखता है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा मतलब इतना बड़ा कि पूरे देश के उत्पादन का 43% सरसों इसी रेतीले राज्य में पैदा होता है। राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये दो ऐसे राज्य हैं जिनकी हिस्सेदारी करीब 25% है, जबकि पश्चिम बंगाल, हरियाणा और गुजरात सहित कुछ अन्य राज्यों में छिटपुट उत्पादन होता है। देश के सबसे बड़े सरसों उत्पादक राज्य की कहानी बताने के लिए हमने जो मंडी चुनी है वो भी कुछ खास है। हम हैं इस समय निवाई मंडी में। इसी मंडी में पूरे राज्य की करीब 20% सरसों खरीदी और बेची जाती है, और वो भी इसके बावजूद कि निवाई से करीब 125 किलोमीटर की ही दूरी पर राज्य की सबसे बड़ी मंडियों में से एक कोटा मंडी है। लेकिन निवाई मंडी सरसों किसानों और कारोबारियों के लिए बहुत बड़ा भरोसा है। सरसों बेता पेमेंट लार कलार जल्दी पेमेंट देता चल जाता। निवाई की इस मंडी में सरसों की इतनी भारी आवक है कि ये मंडी तेल मिलों के लिए पसंदीदा मंडी बन चुकी है। हो सकता है कि आपके घर में आने वाला ब्रांडेड सरसों तेल भी निवाई का ही बना हुआ हो। दर्जन भर जाने माने सरसों तेल ब्रांड यहीं पर तैयार हुए हैं। निवाई में तेल निकालने वाली करीब 20 मिले हैं जो मुख्य रूप से सरसों और कुछ मात्रा में मूंगफली का तेल निकालती हैं। इन मिलों की क्षमता प्रतिदिन 500 से लेकर 4000 बोरियों तक की है, जिनमें कुल मिलाकर रोज करीब 800 टन तिलहन की पिराई होती है, और ये तेल यहाँ से लगभग देश के हर हिस्से में जाता है। हमारे यहाँ पे लगभग 20-22 ऑयल मिल्स हैं, और मैं समझता हूँ शायद पिछले 35-40 सालों से चल रही है। यहाँ पे रॉ मटेरियल आराम से मिलता है हमें, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत बढ़िया है। 12 महीने हम लोगों की ऑयल मिल्स चलती है, और यहाँ का सबसे अच्छा काम ये कि प्योरिटी है, यहाँ मिक्सिंग का काम नहीं है। तो ऑल ओवर इंडिया आप यूँ देख सकते हैं उसको कि निवाई का नाम ऑयल्स के लिए फेमस है, जिसमें आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं और जीएन ऑयल भी ले सकते हैं। जीएन ऑयल भी राजस्थान में निवाई का सबसे ऊंचा बिकता है। इतनी बड़ी संख्या में मौजूद तेल मिलों के लिए भारी मात्रा में सरसों के भंडार की जरूरत होती है, इसीलिए पारंपरिक तौर पर निवाई में मिलों और कारोबारियों में निजी गोदाम रखने का चलन रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहाँ वेयर हाउस सेवाएं देने वाले कई कॉरपोरेट भी आए, जिससे निवाई की गोदाम क्षमता में जबरदस्त विस्तार हुआ। करीब 2 वर्ष पहले यहाँ कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX का डिलीवरी सेंटर शुरू हुआ, और इसके बाद इस सेक्टर का चेहरा काफी तेजी से बदला। निवाई में आज की तारीख में कुल करीब 10 लाख बोरियों की गोदाम क्षमता है, जिसमें NCDEX से मान्यता प्राप्त गोदामों सहित दूसरी कॉरपोरेट वेयर हाउस सेवा देने वाली कंपनियों की करीब आधी हिस्सेदारी है, जबकि करीब 5 लाख बोरियों की क्षमता कारोबारियों ने निजी तौर पर बना रखी है। निवाई की कुल जनसंख्या 1 लाख से भी कम की है, लेकिन तेल मिलों और ढेर सारे गोदामों के होने की वजह से निवाई आसपास के इलाके के लोगों के लिए रोजगार का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। सरसों की आवक सीजन में यहाँ लालसोट, सवाई माधोपुर, देवली बूटी और टोंक तक से किसान अपनी उपज लेकर आते हैं। इन सब गतिविधियों के लिए बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट के साधनों और मजदूरों की जरूरत होती है। सरसों में लागत कम होती है और किसान इसको उपज में ज्यादा करता है, और यहाँ पे क्या है कि इंसिडेंस के वेयरहाउस वगैरह हैं, ऑयल मिल वगैरह हैं, सोलन प्लांट वगैरह हैं, तो यहाँ सरसों का उचित मूल्य मिलता है, और इसके सरसों माल ज़्यादा आता है तो किसान जो मजदूर भाई लोग हैं वो 10,000 करीब आदमी यहाँ मिलर के अंदर, मंडी के अंदर, इसके अंदर पनप रहे हैं। निवाई की पूरी अर्थव्यवस्था एक तरह से देखा जाए तो इसी मंडी के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ के बाजारों को दूर दराज से आने वाले किसानों का इंतजार रहता है, जो मंडी में अपना माल बेचकर होने वाली आमदनी से घर के लिए जरूरी राशन से लेकर बच्चों के खिलौने, कपड़े
और मिठाइयां तक सब यहीं से खरीद कर ले जाते हैं। तो जाहिर है किसी भी सीजन में सरसों की आवक का हाल जानना हो तो निवाई की मंडी तक जाने की भी जरूरत नहीं, बस किसी भी बाजार का चक्कर लगा जाइए, अंदाजा मिल जाएगा। यदि किसानों के यहाँ आमद अच्छी होती है तो हमारे यहाँ जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उनके यहाँ गिरहकी अच्छी रहती है, तेल नून मिर्ची जो भी है वो अपने पर्याप्त मात्रा में वो लोग ले जाते हैं, उससे हमारा भी व्यापार चलता है। और यदि किसानों की खुशहाली नहीं है, किसान खुशहाल नहीं है, तो हमारा भी चेहरा लटका हुआ ही रहता है। किसान वगैरह से हम आते हैं मंडी में, फसल वगैरह अगर ज़्यादा होती है अच्छी होती है तो उसका असर पूरे बाजार के ऊपर पड़ता है, उसी से गिरहकी रहती है लगभग निवाई में। और अकाल है और कोई फसल कम ज़्यादा है तो उसका असर बाजार में रहेगा, बाजार में बिल्कुल भी काम नहीं रहेगा। मेन अगर फसल वीक है कमज़ोर है तो बाज़ार में आप देख रहे हो अभी बिल्कुल शांति, बाज़ार में कहीं चहल पहल नहीं है बिल्कुल। इसी समय जब अराइवल आती है तो बाज़ार में आदमी माता नहीं है, मतलब चारों तरफ गिरहकी चलती है। कपड़े वाले के ले लो, किराने वालों के ले लो, सावे ले लो, सब में ग्राहकी अच्छी चलती है। और अभी जब फसल नहीं है उस कारण बाजार में बिल्कुल अभी सुनसान है, कहीं ग्राहकी नहीं है। कम बारिश की मार इस बार राजस्थान के सरसों किसानों पर तो भारी पड़ ही रही है, निवाई जैसे खेती पर आधारित शहरों पर भी इसका असर साफ साफ दिखने लगा है। हालांकि सरसों की कम उपज के कारण मंडी में कुछ किसानों को पिछले साल के मुकाबले बेहतर भाव भी मिल रहा है, लेकिन उपज में आई कमी के कारण यह बेहतर भाव भी कुछ खास राहत देने की स्थिति में नहीं है। निवाई की यह कहानी ये साबित करती है कि किसानों की खुशहाली के बिना इस देश का कोई भी दूसरे व्यवसाय या पेशे से जुड़ा समाज खुश नहीं रह सकता। किसान के घर अगर अच्छी फसल हो, उसे अगर इसका अच्छा भाव मिले तो इस छोटे से शहर की दुकानें और बाजार भी सज जाते हैं। वहीं अगर किसान के घर उदासी पसरी हो तो वो इस शहर को भी बदरंग कर जाता है। मंडी.com के लिए निवाई से अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।